गोली वहां से निकलने की कोशिश करने के लिए कॉल पर आउट किया एजे एक पॉइंट करते हुए टीम 70 दे आर लुकिंग इनक्रेडिबल एक उड़ती हुई चुम्मी हमें देखने को मिलने वाला है बट वहीं पे एजे फंस चुके हैं और हाइड्रा के जो खिलाड़ी हैं आए जरूर है डैमेज दिया गया बट जैक्सन एचपी काफी ज्यादा कम जी हाँ ग्लोबल स्पोर्ट्स के दो प्लेयर्स ब्रिज पे हैं दो प्लेसेस कंपाउंड के अंदर हैं तो हाइड्रा के पास मौका है यहाँ पे उन दो प्लेयर्स को खदेड़ने का बट ग्लोबल स्पोर्ट्स बाकी प्लेयर्स भी वापस आते हैं आपको नजर आ जाएंगे कनेड यहाँ पे रोनी की तरफ से जाएगा जरूर बट टीम हाइड्रा वो भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं डायनामाइट एक अलग जगह पे जा चुके हैं बट बाकी प्लेयर्स रश करते हुए कनेड आएगा जैक्सन को नॉक करेगा मोलोटोव के साथ दरवाजे के पास जाएगा और वहां पे डैमेज भी देने की कोशिश करी जा रही है बट टीम हाइड्रा ग्लोबल स्पोर्ट्स के नेड बहुत शानदार दो प्लेयर्स यहाँ पे नॉक और टीम हाइड्रा के पास उनको भी स्पॉट किया गया उनको भी यहाँ पे नॉक करा जाएगा डायनामाइट यहाँ पे जा चुके हैं ही इज Now the last man standing. अब Dynamite क्या यहाँ से retreat करेंगे? सवाल तो अच्छा था, but जवाब भी मिल गया हमें. जी हाँ, retreat करते हैं आपको नजर आएंगे वो. देखिए एक चीज बाबा, बच के रहना पड़ेगा उनको क्योंकि अंदाजा नहीं. देख लिया उन्होंने RTR चोनू को, उन्होंने देख लिया चोनू थोड़ा सा लेट हुए. उन्होंने स्पॉट पहले से ही कर रखा था तो शायद उनको ऐसा लगा हो कि बियर्ड बाबा ने देखा ना हो, बट थोड़ा तेज चतुर और चालाक साथ में उन्होंने देखा प्लेयर्स को डाउन किए जाएंगे. बट फिलहाल के लिए RTR के तीन खिलाड़ी वो भी सर्कल के अंदर. बियर्ड बाबा अपना जो फिनिश है मिल जाएगा मान्या उनको भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया. इसी के साथ एक और स्क्वाड का एलिमिनेशन 15वें स्थान. यहाँ एक और टॉप टीम यहाँ पे बाहर होती हुई हाइड्रा और ग्लोबल स्पोर्ट्स पहली दो टीमें बनती है जो बाहर यहाँ पे हो चुकी है. बट अभी भी जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा. बीएड बाबा नॉक हो चुके हैं, RTR रेटिबेशन अब अटैक करने पे आ चुके हैं. बार बार आपको यहाँ पे स्मोक्स देखने को मिल जाएंगे. नेड भी अबरार के हाथ में जरूर है, क्या वो नेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा? एक सवाल बनता जरूर है. बट बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा ओपन में खड़े हो गए अबरार, जिसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा. वही पे क्रिटो स्पॉट उनको करेगा शॉटन की कोशिश यहाँ पे ग्रेनिक्स की तरफ से. बट पीछे से कवर भी यहाँ पे आ रहा है, उनको भी नॉक करा जाएगा. टीम वॉकआउट सडनली एडवांटेज सिचुएशन से सीधा डिसएडवांटेज सिचुएशन में जाते हुए. अब उनके आईजीएल बचे हुए मिस स्प्रे, ये क्या हो रहा है? बैक टू बैक तीन टीमें जिनके जो सरवाइव किया जोन के अंदर आए और अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, दैट इज मैसिव. वहीं अगर ओवर की बात करते हैं थोड़ा सा वो भी फंसते हुए यहां पे नजर जरूर आए हैं. ऑटोबॉट्स ने उनके पर आक्रमण कर दिया है. फॉक्स रश करते हुए देखना पड़ेगा क्या ओवर यहां पे सरवाइव कर पाएंगे. एक नेट कुक करा जा रहा है फॉक्स की तरफ से, सामने प्लेयर्स हैं. मोलोटोव भी वहां पे करा गया. आदित्य अभी के लिए शॉट देने की कोशिश जरूर करते हैं बट दैट नेट इज गोइंग टू बी एवरीथिंग. एक शानदार नेट, दो प्लेयर यहां पे नॉक कर दिए जाते हैं. आदित्य थोड़ा सा पीछे जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे. रन फ्रे स्मोक के अंदर क्या ऑटोबॉट्स यहां पे, ओ आर जैसी टीम को खत्म करेंगे. एक और प्लेयर को खत्म करा गया नवाज उदला फंसानिंग टीट यहां से कर जाएंगे. बिल्कुल इस वक्त INS एलिमिनेट हुई चौथे पायदान पे. जी हां, बट ऑटोबॉट्स दे आर ऑलरेडी ऑन फायर. हमें जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक ऑटोबॉट्स ने करके दिखाया, लग रहा है कि वो ठान के आए कि वापसी करेंगे तो आज ही करेंगे. वहीं अगर मार्कस गेमिंग की बात की जाए, कोस्टी बिंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनको भी स्पॉट करा जाएगा, खत्म करा जाएगा एंड वो भी ACBC हैकर के द्वारा. टीम ACBC वर्सेस ऑटोबॉट्स, इट्स अ 4v4 प्योर बैटल. बट ईविल स्काई का शानदार नेड आएगा, हेल को यहां पर नॉक करा जाएगा. बहुत ही खराब सिचुएशन में अभी के लिए ऑटोबॉट्स फंसते हुए नजर आ सकते हैं. ACBC अब यहां पे इस एडवांटेज का फायदा उठा के जोन के अंदर जाना चाहेंगे. बट ईविल स्काई एक फ्लैंक पे जाएंगे जरूर, एक सैंडविच सिचुएशन में डाला जाएगा. ये नेड सब कुछ साबित हो सकता है टीम ACBC के लिए. ऑटोबॉट्स उन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट करा, उस चीज का फायदा ACBC की स्क्वाड निकालेगी. आप देखें मात्र ग्रेनेड अगर आएंगे तब भी वहां पे जो एलिमिनेशन है देखने को मिल सकता है. ईविल स्काई उनको अप डाउन के गया और वो कदम RGL. इसी चीज की हम बात करते हैं कि जो आज के दिन पे ग्रेनेड्स है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बट और वाह वो कुछ और करने के फिराक में आपको देखने को मिलने वाला है. इवेल्स का ऊपर डालो टीम से दूर है, यानी कि फाइट तो लेनी पड़ेगी. 470 मीटर का फासला, आदित्य को वहां पे स्पॉट किया गया, वो अकेले पाए गए, उनको डाउन करा जाएगा. शुरुआत हो चुकी है. वेलकम टू पिकाडो टीम सोल, यहां पर जरूर से करना चाहिए. कौन सा कुछ पड़कर सरकार, उनको भी वहां पर डाउन किया जाएगा. कल जो कसर बाकी रह गई थी आज एक एक करके वहां पर प्लेयर्स को स्पॉट करा जा रहा है, डाउन करा जा रहा है. UP50 पूरी तरीके से बैकफुट पर. वैसे भी जो प्रदर्शन था उनका वो उतना अच्छा जा नहीं रहा था और अब मात्र दो खिलाड़ी बचते हैं. एक 2v4 का सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा. बट मीनवाइल जंप एंड पंच करके एक प्लेयर यहां से हमें दूर की तरफ जाते हुए नजर आएंगे. शायद टीम सोल के प्लेयर ने स्पॉट कर लिया. KSR वो छुपे हुए जरूर थे लेकिन वेज गॉड उनके पास हाइट कैच एडवांटेज, स्पॉट करके स्प्रे डाउन जरूर से कर सकते हैं लेकिन अब पोजीशन उनकी भी रिवील्ड. UP50 पूरी तरीके से बैकफुट पर एंड टीम सोल एक बार फिर से राइज करते हुए. देखिए टीम सोल की यहाँ पे तारीफ जरूर बनती है, जिस तरीके से वो कंपोज तरीके से खेल रहे हैं, कोई गलती नहीं, कोई ओवर एग्रेसिव जो मूव है वो हमें देखने को नहीं मिलता. अब रेज गॉड लास्ट प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, डैमेज काफी ज्यादा पड़ा, अपने आप को हील करेंगे. बट दूसरे साइड पे ACBC वर्सेस इनिशिएटिव एकेडमी, उनकी फाइट जो है वो चलती हुई. बड़ा डाउन किया जाएगा जेली और आदित्य यहां पर आए जरूर से. ईविल स्काई मौजूद रहने वाले, देखते हैं कि वो अब अकेले यहां पर क्या करेंगे क्योंकि बाकी के खिलाड़ी इनसे दूर. हालांकि पीछे से जो कवर फायर है वो जरूर से आएगा. जंप एंड पंच एक बार फिर से वो चीजें हमें देखने को मिलने वाली, ताकि जो पोजीशन है उनकी वो रिवील आउट ना हो. अपनी पोजीशन धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं.
बट अभी भी पीछे से जो कवर फायर है वो उनको मिलने वाला है। ओआर स्पोर्ट्स एक प्लेयर वहां पर अपना गवा दिया है उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीन प्लेयर्स हमें यहां पर जरूर से देखने को मिलते हुए। आतंकी थोड़ा ओवर अग्रेस करने की कोशिश, बट जेन ओपी मीनवाइल उनको डाउन किया जाएगा। बियर्ड बाबा वॉकआउट के आएंगे, जो फिनिश है वो भी सिक्योर करेंगे। और अब एसीबीसी के जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी यहां पर आदर बढ़िया ग्रेनेड वहां पर जाएगा आदित्य के साइड से, कैप्रन डाउन, दो खिलाड़ियों को और डाउन किया जाएगा आतंकी विद दैट ग्रेनेड। एसीबीसी ओवर अग्रेस करने की कोशिश निश्चित नाबूद किए गए और अब मात्र एक खिलाड़ी जो यहां से काफी दूर मैं चेस निकालिए, मनोबल जरूर से और भी ज्यादा बेहतर जगह पर होगा, बट निग्मा गैलेक्सी के मैक्स स्पॉट करेंगे ऊपर में जा रहे प्लेयर, एक ही व्हीकल में तीन खिलाड़ी, दो डाउन, एक और प्लेयर वहां पर डाउन जरूर से किए जा सकते हैं। जी हाँ, गॉब्लिन डॉट एचपी पे सर्वाइव करेंगे मैक्स, क्या वो फिनिशे सिक्योर कर पाएंगे, लेकिन राइट साइड से वो एक प्लेयर आएगा मैक्स को डाउन करेगा। यहां पर मुश्किल है, वापस से निग्मा गैलेक्सी की टीम सोल विल दे विल स्टिल सर्वाइव, लेकिन हेक्टर अकेले खिलाड़ी बचे हैं, एक 1v2 उनको करना पड़ेगा। विक्स की मीनवाइल बात करें, व्हीकल लेकर के वो आगे आएंगे, उनको भी पता है कि डैमेज हैज बीन डन। हेक्टर आखिरी खिलाड़ी यहां पर बचेंगे, बट एफएसई स्पोर्ट्स पीछे से उनका भी आगमन, सोल का बच पाना काफी मुश्किल, बट निग्मा गैलेक्सी देखते हैं क्या वो रिकवर कर पाएंगे। 1v1 की फाइट, हेक्टर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो 1 HP और डाउन करेंगे 47 को एक मैन, अब उनकी बारी, डाउन करे जाएंगे हेक्टर, एलिमिनेशन टीम सोल का, चार फिनिशेस आए जरूर, कोई और यूटिलिटीज उनके पास रहने नहीं वाले। पाफ किलो डाउन किए गए, डायनेसिस बहुत प्रॉब्ली लास्ट प्लेयर बचेंगे सो मार्कस गेमिंग से, पाफ किलो खत्म हो गए, स्ट्राइकर डाउन किए गए, डायनेसिस खत्म, और इसी के साथ मार्कस गेमिंग का एलिमिनेशन चलता है। हाइड्रास उनके लिए मुश्किल है, थोड़ी सी ज्यादा पड़ती हुई, जैडी यहां पे मौजूद है, कॉफाई की कोशिश रहेगी, दो खिलाड़ी अभी बच रहेंगे, मैक्सी एंड साथ में रहेंगे मैच के साथ, बच पाना टीम ब्लाइंड का बहुत ज्यादा मुश्किल, बट अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच यहां पर क्या होगा। बढ़िया वहां पर उसी का जो इस्तेमाल है वो भी हमें देखने को मिलता है, एक बहुत ही छोटे एरिया में कन्वर्ज होकर रह गए टीम ब्लाइंड के खिलाड़ी, दोनों प्लेयर्स वहां पर सर्वाइव करेंगे। इनफैक्ट अब एक आखिरी प्लेयर जैडी डाउन करा जाएगा आज, बट एक्सो के पंख को ग्रेनेड करेंगे, दो खिलाड़ियों को डाउन किया गया, एफएस का जो पुश है वो भी यहां पर आता हुआ नजर आएगा 47 SC। देखते हैं क्या वो कुछ कमाल यहां पर दिखा पाएंगे, टीम एक्सो बैकफुट पर जरूर से रहने वाली है, दो खिलाड़ी उनके डाउन ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाएंगे। फियर्स वो यहां पर बचे हुए हैं, साथ में है पंख, ये जो डायनामिक डुओ है वो हमें देखने को मिल जाएगा। पंख अभी के लिए स्पॉट करने की कोशिश करें, फियर आगे जाएंगे, एक बढ़िया वहां पर स्प्रे जाएगा, डैमेज काफी ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया है टीम एक्सो, यहां से हार मारने के मूड में नहीं है वो, बट वो जो पोजीशन है 47 की वो काफी ज्यादा बढ़िया, ये ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है, बट उससे पहले ही वो अपने आप को हील लेंगे, वो जो ग्रेनेड था वो भी उन्होंने किया नहीं। आदित्य खत्म हो गए, मिस्टर स्प्रे वो भी खत्म हो गए मैंटी के द्वारा, एक्सो के दो खिलाड़ी पांच फिनिशर निकाले सर्कल उनके पास नहीं है, तो हाइड्रा सर्कल के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित एक्सो, उनका एलिमिनेशन यहां पे होता हुआ कि ठीक है ओशन, मैंने आपको वो दर्जा दे दिया, आप इतना सरप्राइज्ड क्यों है उस चीज के लिए? देखिए मेरा हंसी का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा कम है, अगर हंसी आती है तो हंसता ही रह जाता हूँ, और वहां पर आप देखिए आए ना इसकी क्रेजी सोल शायद इस समय ना हंसे क्योंकि उनके लिए दिक्कतें हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ जीओजी के प्लेयर्स एक एक करके टेकडाउन फिर से किया जा रहा है, ऑटोवॉट्स के प्लेयर्स इनफैक्ट नीचे के एरिया पर भी वो राइट हैंड साइड से जा सकते हैं, हिल थोड़ा साइड लाइन से मूव करने की उनकी कोशिश है जरूर, 25 गोलियां यहां पर, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, तो एक काफी अच्छी चीज बन जाती है। लेकिन जो प्लेयर पीछे है जीओजी का, जो छुप करके बैठा हुआ है, उसको शायद देखा नहीं, लेकिन देखा भी तो काफी लेट, और उसी के कारण वो एक प्लेयर को टेकडाउन करेगा, इनफैक्ट काफी ज्यादा दिक्कत यहां पर देने की कोशिश हो रही है। जीओजी के प्लेयर्स मुश्किलें बनाते हुए बरसते हुए नजर आ रहे हैं, निक ओपी अभी के लिए जो ब्लू जोन है वो उसका डैमेज आना स्टार्ट होगा, सारी टीम्स अपनी भगदड़ मचाते हुए नजर आएंगे। एफएस वर्सेस ग्लोबल ईस्पोर्ट्स जो फाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो ग्रेनेड जाएगा, कनेक्शन क्या वो बना पाएगा देखने वाली बात, बट हिटमैन वो आगे की तरफ आएंगे, रॉनी को स्पॉट किया, काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया, बट लेकिन जो सोल के गॉब्लिन का ग्रेनेड है वो आएगा, हिटमैन को डाउन किया गया, जो फिनिश है वो सिक्योर करेंगे। जी हाँ, वो चार फिनिशेस गॉब्लिन ने ही निकाले हैं और अपने पांचवें फिनिश की तरफ वो बढ़ते हुए, लेकिन अभी भी जो जोन है वो उनसे थोड़ा दूर देखने को मिल जाएगा। क्लैश जरूर से कराए, उसको डाउन करेंगे, पांच फिनिश उनके संपन्न होते हुए, लेकिन अब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का जो पुश है वो भी रोकना पड़ेगा, फ्रंट लाइन कमांडर का जो रोल है वो निभाते हुए नजर आएंगे। बटार ईस्पोर्ट्स वर्सेस आरटीआर वर्सेस टीम हाइड्रा जो फाइट है वो हमें देखने को मिलती हुई, गॉब्लिन अभी भी आगे की तरफ मौजूद रहने वाले, ब्लू जोन का डैमेज भी आएगा, मात्र एक पोस्टर उनके पास रहता है, बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल। रॉनी वहां से निकलने की कोशिश करने के लिए एक बढ़िया स्प्रे ट्रांसफर, एक मात्र प्लेयर बचते हैं, मानियल को स्पॉट किया गया, जो गन है वो जाएगी, गॉब्लिन वहां पर डाउन होंगे मान्या, और अब एक 4v3 का जो फाइनल बैटल है वो हमें देखने को मिलने वाला है। स्मोक का जो क्लाउड है वो क्रिएट करा जा रहा है आगे की तरफ जाने की कोशिश, आरटीआर रिट्रीब्यूशन के एक खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर देखने को मिल जाएंगे, क्या वो हील बैटल करने जा रहे हैं देखना जरूर पड़ेगा। बट टीम एक्सो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो विजन है वो ब्लॉक है आरटीआर का, बट वहां पर प्रिडिक्टिव जो स्प्रेज है वो भी जाते हुए नजर आएंगे। पंख उनको पता है एग्जैक्ट लोकेशन आरटीआर के प्लेयर्स की, बट 2D वो डाउन होंगे, जो ब्लू जोन का डैमेज है
वो बियर नहीं कर पाएंगे, बट एक्सो के स्नैक्स उनको भी डाउन किया गया क्रैनिक्स के द्वारा। जो कमबैक है वो हमें देखने को मिलता है, आरटीआर विल दे कैन कन्वर्ट इट, बट बियर स्पॉट करेंगे, कौन प्लेयर को डाउन करेंगे, एक 2v2 का सिनेरियो हमें देखने को मिल जाएगा। बट ग्रेनेड जो वर्ष है वो देखने को मिल रही है, फियर जिनको जाना जाता है एमवीपी प्लेयर की तरह, वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। एक 1v2 का सिनेरियो जो पुश है वो देखने को मिल कि वो स्पॉट आउट करना जरूर चाहते हैं। स्ट्राइकर इस जगह पर लेटे हुए जरूर है, बट देन उनको स्पॉट किया जा सकता है। सोल के प्लेयर्स उसी एरिया पर आ रहे हैं, एक एक करके प्लेयर स्पॉट किए जा चुके हैं। वहां पर बगी है, गाड़ी है, तो प्लेयर भी दिख जाएगा, हैंड टेक डाउन भी करेंगे। हालांकि मैंटी ऑफ एंगल से गोब्लिन को टेक डाउन करते नजर आएंगे, बट ओमेगा मैंटी को यहां पर टेक डाउन कर देते हैं। मतलब हैदराबाद हाइड्रास अब फिर से एक खराब गेम की तरफ बढ़ते हुए, नेड परेड इनके ऊपर होते हुए, एक छाता चाहिए होगा जो शायद बचा ले, हैदराबाद हाइड्रास दे आर आउट। और साथ में हेल्प हुई थी जीई के प्लेयर्स के द्वारा जो कि बैक एंगल पर थे, बट एजे को जोन खाना शुरू हो चुका है। सविता थोड़ा सा पीछे रहने की कोशिश कर रहे, लेकिन एजे को भी टेक डाउन करेंगे। 7C के प्लेयर्स ने कोशिश करी, बट ये फिनिश तो आरटीआर डूडी का था। जी ओमेगा वो भी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सारंग पीछे से आते हुए, जीओजी आगे कुआं पीछे खाई, बीच में जीओजी एंड द ग्रेनेड्स आर कमिंग इन। सारंग इस समय एक अच्छी उमंग लाना चाहते हैं अपने टीममेट के लिए, एंड एक ग्रेनेड, वन ग्रेनेड टू रूल देम ऑल। सारंग जस्ट डज इट। इस समय ओमेगा बिल्कुल सामने स्पॉट किया जरूर है, सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत कम लो एचपी पर यहां पर हैं। जरूर सारंग आगे जाकर के फाइट ले सकते हैं, मोमेंटम है, कॉन्फिडेंस है, हर एक चीज बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर अक्षन को स्पॉट करते हैं, शॉट लेने की कोशिश, अक्षन को डाउन करते हैं। सारंग इस प्लेयर की M4 रुकने का नाम नहीं ले रही है, एक अलग तरंग की तरह बज रही है। ओमेगा आगे मूव कर जरूर है, शानदार प्रदर्शन यहां पर निग्मा गैलेक्सी की तरफ से एक बार देखने को मिला जरूर है, बट वही टीम हाइड्रा अभी भी उनके पास चार प्लेयर्स हैं, उनके पास जोन का एडवांटेज और वॉकआउट जोन में आना जरूर चाहते हैं। टीम निग्मा का एक प्लेयर भी वहां पर पोजिशन चाहती है, रिवील नहीं है, वॉकआउट आना तो चाहते, लेकिन जोन में आना बिल्कुल भी आसान यहां पे नहीं होगा। जैक्सन के हाथ पे एक नेट देखने को जरूर मिलता है, नेट जाएगा जरूर, क्या सही जगह गया जी नहीं, अभी के लिए कोई डैमेज वहां पर नहीं देगा, इनमें करेक्ट यहां पर नॉक कर दिए जाएंगे। बट वहीं अगर बात की जाए टीम हाइड्रा की, ये गेटकीप सिनेरियो उनके लिए बहुत जरूरी, बिकॉज जोन अब उनसे भी दूर जाता हुआ। WSF की बात करें जाए, पूरा सर्कल उनके पास, 2-2 का स्प्लिट टैंगो वहां पे डाउन किए गए, काफी ज्यादा दूर थे, रिवाइव बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। ब्लाइंड की स्क्वाड जिनकी हम बात करते हैं, शायद उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता, बट नहीं, इस वक्त एक बेहतर गेम ब्लाइंड के द्वारा चलता हुआ अभरार, इसी के साथ काफी ज्यादा मुश्किल में आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा तक सर्वाइव नहीं करेंगे जैक्सन, वो जो व्हीकल था उन्होंने ब्लास्ट करा और तीन खिलाड़ी उसी एक व्हीकल ब्लास्ट में खत्म हो गए, चारों प्लेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हुए दिखाई दिए। बट निक ओपी एक बढ़िया ग्रेनेड मारने डाउन किए गए, एजे लास्ट प्लेयर मौजूद रहेंगे, बुलेट को उन्होंने डाउन किया, बट निक ओपी का एक बढ़िया कवर फायर किया था जिसका फायदा नहीं हुआ। जीओजी यहाँ पे एक नॉक की तलाश में, जैसे वो नॉक मिलेगा रश करते नजर आएंगे। देखिए करण को स्मोक की वजह से वो जो कंटेनर है या फिर वो जो एयर ड्रॉप है वो दिख नहीं रहा, बट बाजवा को वहां पे लीडर ओपी जरूर दिखा दिए जाएंगे। एमजे वहां पे मौजूद रहेंगे, पिक करने की कोई गलत टाइम पर उन्होंने पिक किया, बट बाजवा उनको देखना चाहिए था, नीचे से स्पेस खाली था, उन्होंने देखा नहीं, पनिश किए जाएंगे। बुलेट ओपी का एक बढ़िया चार्ज जाता और बाजवा इस वक्त डाउन है, बाकी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए दिखा देंगे। बुलेट के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, निक ओपी यहां पे डाउन किएगा, बुलेट गलत समय पे व्हीकल के ऊपर वो चल के बैठे हुए थे, इन्वेडर M249 का इस्तेमाल, लास्ट प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली लीडर ओपी अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे, बड़े खिलाड़ी और जिनको वहां पे रिवाइव कर दिया गया। जी हां रिवाइव यहां पर मिल चुका है, हील वो कर चुके, स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक और बार यहां पे डैमेज देंगे, 915 का डैमेज वो यहां पे दे चुके हैं। और जी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, जिस तरह से मैं बात कर रहा था टीम ब्लाइंड को, यहाँ पे एक स्मोक जरूर करते हैं, पोजीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश, क्रेट जितनी ज्यादा है, लूट की कोई कमी यहाँ पे नहीं है, बट स्मोक करके आगे जाने की कोशिश, डेड टू सपोर्ट करते हैं, अपने सपोर्ट कर देने की कोशिश, डैमेज यहाँ पे दिया जाएगा और नॉक भी उनको करा जाएगा। एक और प्लेयर लीडर को भी स्पॉट कर लिया है, उनको पता है विसिनिटी में वहां पे एक प्लेयर और जरूर है, रेज अब संभलना पड़ेगा लीडर, यहाँ पे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी बन जाती है। क्या जीओजी यहाँ पे लेके जा सकती है बिना बिना चिकन डिनर। एमजे पूछे कैसे खत्म हो गए, लीडर अकेले प्लेयर वहां पे मौजूद रहेंगे, एमजे ने कॉल क्यों नहीं दिया, एमजे कॉल देना चाहिए था कि जब सामने प्लेयर मौजूद है वो रैंडम प्ले भी करते तो भी रेज को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता, विलियम्स वहां पे डाउन करेंगे टैंगो को, और अब 3v2 की सिचुएशन हो चुकी है जो हम बात कर रहे थे। ई स्पोर्ट्स वाला XWS वो विनर बने, चिकन डिनर निकाल सकते हैं, बड़े शोक मुश्किल में वो पस्ते में दिखाई देंगे, इन्वेडर लास्ट प्लेयर बचा अपनी टीम से, M249 उनके पास है तो सेवन ब्लाइंड को आप देंगे, भूखे शेरों की तरह जाते हुए दिखाई देंगे। एक
मुझके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती हुई शैडो की बात करें वो भी यहाँ पर रहेंगे, बट रेज वो नीचे की तरफ कूदे जरूर से, देखते हैं कि क्या उनकी पोजीशन यहाँ पर अभी तक रिव्यू हुई है। गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा ओपन में गए जरूर से, पीछे से कवर फायर आ सकता है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, बट ये ग्रेनेड कनेक्शन जरूर से बनाएगा, ब्रोकन बॉल के पीछे मौजूद है रेज, अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है, चलिए अभी के लिए डैमेज पड़ा नहीं, बट गॉब्लिन उनको डाउन किया जाएगा, जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश, बट पीछे से कुछ बढ़िया कवर फायर भी है, शैडो इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, और सामने टीम सोल के तीन चतुर चालाक जो सिपाही है वो देखने को मिल जाएंगे। शैडो देखते हैं क्या वो यहाँ पर सर्वाइवल गेम खेलने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी 700 मीटर का फासला तय करना है, मात्र 3 सेकंड रेज उनको यहां पर बचाए नहीं जा पाएगा। टीम सोल एक तरीके से चेस करेंगे टीम ब्लाइंड के उस आखिरी खिलाड़ी को जो ग्रेनेड है उससे जो काम है वो बनाने की कोशिश रहने वाली। ग्रेनेड आएगा, कनेक्शन भी बनाएगा, शैडो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, 1v4 का सिनेरियो यहां पर जरूर से रहने वाला, हील करेंगे अपने आप को, बट मौका दिया नहीं जाएगा, उससे पहले ही एलिमिनेशन, कोई भी उनको चुनौती देने के लिए वहां पे मौजूद नहीं, पर वो कोर्सेस इस कैनेडी की बात करें वो पैडिया पे चल चुके हैं, गॉड यहां पर उसके सामने एग्जैक्ट देखिए वो मौजूद रहेंगे, एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे खिलाड़ी उनको भी आपको डाउन करते हुए दिखाई देंगे, बियर्ड बाबा इस एग्जैक्ट डाउन होते हैं, वो कोर्स उनके पास एक आंकी मौका था कि आज संतुष्ट रहना पड़ेगा, और इसी के साथ एलिमिनेशन होता हुआ वॉकआउट की स्क्वाड का। FS एक्सप्लिसिट वहां पे डाउन किए जाएंगे, अब एकमात्र प्लेयर हमें देखने को मिलता है, देखते हैं क्या वो यहां पर कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमने पहले भी कई बार देखा उनको क्लच करते हैं, लेकिन इस बार सामने है टीम हैदराबाद हाइड्रास, क्लच वहां पर मौजूद रहने वाले, स्पॉट करे जाएंगे, डाउन करे जाएंगे, लेकिन बढ़िया कवर फायर, एक खिलाड़ी को नॉक किया हैदराबाद हाइड्रास, इतनी बड़ी गलती उनकी साइड से देखने को मिलती है। K47 एक आखिरी खिलाड़ी यहां पर बचेंगे जरूर से, इस बैक की जो पोजीशन है वो भी पूरी तरीके से रिवील्ड, 1v1 का वो सिनेरियो, बट क्या वहां पर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो देखने वाली बात। एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, इस बैक के सामने K47 स्पॉट किया है, फायर यहां पर देने की कोशिश जरूर से रहने वाली है, बट आयरन साइड के थ्रू वहां पर जो शॉट है वो लिए जा रहे ACBC के रेन, मीनवाइल आएंगे पूरा जोन ACBC को फेवर करता हुआ, कायनात खुशी का कोई ठिकाना रहेगा नहीं, क्योंकि इससे बेहतर आज के दिन का अंत वो क्या ही चाहते। काइनेटिक KU की बात करें, इनफैक्ट पूरी टीम काइनेटिक की बात करें, आज का दिन बेहतर उनके लिए जरूर से गया है, टॉप 16 में आएंगे, एक उड़ती हुई चुम्मी जरूर से दी जा रही है अपने ओपोनेंट्स को, क्योंकि शायद ये दोनों ही टीम्स टॉप टीम्स कौन सी कितना ऊपर आएगी। 7C को आप देखें 336 का आंकड़ा इस वक्त लेके बैठे हुए, और सातवें स्थान पे यहाँ पोजिशनिंग हमें देखने को मिलने वाली है। टीम एनिग्मा गेमिंग 9वें पायदान पे हमें देखने को मिल जाएंगे 330 अंक उनके, बट टीम काइनेटिक टॉप 16 में आपका स्वागत है। टीम ब्लाइंड चलते सीधा डेंजर जोन पे, और वहां पे देखते हैं टीम को 251, 244, 243, 241, 8 मैचेस में बड़े आसानी से 60 अंक निकाले जा सकते हैं। RE स्पोर्ट्स तक बहुत सारे